माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस मिनिस्ट्री के ऊपर चर्चा हो रही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है भारत के संदर्भ में इसको देखते हुए, क्योंकि आयुर्वेदा, जिसे हम पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हेमोपैथी, यूनानी और सिद्धा के नाम से जानते थे, जो 1995 में मिनिस्ट्री अलग बनी, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। और जैसे कहा गया है 5000 साल पहले, ये क्यों नीचे इसका स्तर गिरता गया, इसके पीछे भी हमें सोचना है। हम 200 साल के करीब अंग्रेजों के अधीन रहे और उन्हीं की वजह, जहां हमारी और पद्धतियां, जहां हमारी और संस्कृतियां खत्म हुई, जहां हम लोग अंग्रेजी को अपना गए, जहां हमने और वेशभूषा को अपनाया और गांव में और हमारे जो टेक्नोलॉजी को अपनाया और अंग्रेजों की उससे में, ये जहां अच्छी चीजें आई हैं वहां एक ये भी हमें नुकसान पहुंचाया कि हमारी ये पद्धति जो थी, जो इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, ये पीछे ही हटता चला गया। लेकिन मैं ये कहती हूं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पद्धति को गांव में जिंदा रखा, जिन्होंने उस गांव में जो उनके पास हुनर था, जो उनके पास एक दवाई देने का या खास बीमारी के लिए इलाज था, उसको उन्होंने जिंदा रखा। अगर आज आयुर्वेदा जिंदा है तो उन लोगों की वजह से, वो उसके बड़े हकदार है प्रशंसा के, उनको मैं धन्यवाद भी करती हूँ, नतमस्तक भी होती हूँ कि आज फिर हमारे अंदर ये आयुर्वेदा के प्रति, आज होम्योपैथी के प्रति या यूनानी के प्रति जो प्रभाव बढ़ रहा है। मैं नहीं दोहराना चाहती, एक बात कहना चाहती हूं कि जो डॉक्टर्स हैं बीएमएस करके आते हैं, वो भी 5 साल लगाते हैं, वो भी 2 साल फिजियोलॉजी सीखते हैं, एनाटॉमी सीखते हैं, उस सब प्रोसेस से जाते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर सीखता है, लेकिन उनमें फर्क है। हमारी जो साइकोलॉजी है, आम जनता का जो प्रिसेप्शन है, वो आज भी उन डॉक्टर्स के प्रति उतना सहानुभूति नहीं रखता जितना एलोपैथिक डॉक्टर्स के रखता है। उनकी तनख्वाहों में, उनकी सैलरीज में फर्क है, सोच में फर्क है। जब तक हम जनता में, लोगों में उन डॉक्टर्स के प्रति भावना नहीं पैदा करेंगे कि ये डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसे नहीं है, हमें पहले आयुष में इस बात को लेना पड़ेगा। हमारे पास आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं जिसमें पीजी भी हो रही है और तरह के कोर्सेज भी हो रहे हैं, स्पेशलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन उसको ठीक तरह से बताया नहीं जाता। और जहां तक मेडिसिन का सवाल है, इसमें हमें साइंटिफिक वे से लाना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है दालचीनी बहुत काम करती है, मलट्ठी काम करती है, तुलसी काम करती है, अश्व वो जो है पौधा, उसके फायदे हैं और जुनखाल के फायदे, पर इसको हमको साइंटिफिक लोगों को बताना पड़ेगा कि ये केवल जड़ी बूटी ही नहीं है, इनमें गुण है, उन गुणों को हम साइंटिफिक लेबोरेटरी के तौर पे ही बता सकते। इसलिए हमारा एम्फेसिस जो है इन बातों पर होना चाहिए। जो बहुत फार्मेसीज है, आपने उसके लिए लेबोरेटरीज के लिए एक बोर्ड भी बना दिया हुआ, लेकिन जब मेडिसिन आती हैं उसमें लिखा होना चाहिए कि इसमें ये इतने प्रतिशत है, जैसे एलोपैथिक दवाइयों में होती है, हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं, हमने उनका मुकाबला करना है। केवल योग ही आयुर्वेदा नहीं है। आज हम कहते हैं, कई बार पढ़ने को आता है कि कैंसर का इलाज है आयुर्वेदा, क्यों नहीं हम रिसर्च करवाते, क्यों नहीं, अगर किसी ने कुछ कहा है उसको बुला के उसको हम फैसिलिटीज क्यों नहीं देते कि आप रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, जिससे कि हमारा नाम हो सके। इसी तरह और मेडिसिन, आज भी गांव में दमे के लिए, पीलिया के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको रजिस्टर कीजिए, उसको खत्म मत होने दीजिए। ये खानदानी लोगों के पास होता है, एक बेटे से बाप, बाप बाप दादे से बेटा, बेटे से आगे बेटा, लेकिन वो उसको पूरी तरह बता नहीं सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको लिजिबिलिटी नहीं है। सो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी,
कि उन डॉक्टर्स की हालत देखिए, उनकी साइकी देखिए, वो अपने आप को क्यों नहीं है? मैं रही हूं हिमाचल में, मेरे पास ये विभाग था, मैंने देखा उन डॉक्टर्स की साइकोलॉजी को कि वो अपने आप को एलोपैथिक डॉक्टरों से हीन समझते हैं। उसको दूर करना है पहले तो, उनमें हमें आत्मविश्वास पैदा करना है कि आप कम नहीं हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इलाज करना जानते हैं, आपने पढ़ाई की है, आप बराबर के हैं, कम नहीं हैं, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, ऐसी है, कोर्सेज हैं, हो रहे हैं। और यहां तक कि जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर जाना मुनासिब नहीं समझ, हिमाचल में ऐसी जगह थी जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर जाना नहीं चाहते, हमने वहां आयुर्वेदा डॉक्टर भेजे कि लोगों को इलाज होना चाहिए पीएससीज में, डिस्पेंसरीज में। तो ये सारी बातें आपको सोचनी है, तभी हम इसका आगे उत्थान कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। केवल बात करने से या बजट बढ़ाने से नहीं होगा, हमें अवेयरनेस लानी है अपनी इस पद्धति के लिए, हमें लोगों को जागरूक करना है, और तभी वो जागरूक हो सकेंगे अगर हम इसको साइंटिफिक ढंग से। आज हर बच्चा जो है गूगल देखता है, उसको कोई मेडिसिन बता देते हैं, वो सबसे पहले गूगल में देखता है कि इसमें कौन कौन से सॉल्ट पड़े हुए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसलिए हमें भी आयुर्वेदा में या यूनान, अभी कहा कि होम्योपैथिक, मनोज जी ने, अरे भाई होम्योपैथिक इंटरनेशनल हो चुकी है, जर्मन से शुरू होकर पूरी दुनिया में चली गई है। आयुर्वेदा को हमने सीमित रखा है केवल हिंदुस्तान तक, भारत तक ही, इसको हमें आगे लाना है। ये सबसे अच्छी और जिसके इफेक्ट्स नहीं है ये भी बताना है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हमें रिसर्च के ऊपर जोर देना है, हमें ऐसी लेबोरेटरीज बनानी है। सबसे पहले है, लोगों के दिलों में ये, दिमागों में है कि ये दवाइयों का तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, इनके तो कोई मापदंड ही नहीं है, पता नहीं इनमें क्या पड़ा हुआ है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमें उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उनके मापदंड बनाने हैं, जिससे कि लोग उसमें विश्वास कर सके। सबसे बड़ी बात है विश्वास पैदा करने की, वो हम कर सकते हैं, चाहे पब्लिक रिलेशन से कीजिए, चाहे कैंप लगाइए, चाहे जो डॉक्टर्स हैं उनको इतना ज्यादा मान दीजिए जिससे कि वो अपने आप को इस काबिल समझे। बहुत अच्छा है, चला आ रहा था, लेकिन ठीक है, हालात के मुताबिक ये पीछे हटता गया, और आगे लाना है तो हमें इन बातों के लिए सोचना पड़ेगा। जड़ी बूटियां बहुत है और उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पुदीना घर में इस्तेमाल करते हैं, तुलसी घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका हम लोग ढंग से जो है प्रचार नहीं कर पाते हैं। प्रचार कौन, हमारे यहां यही है, हमने वेद भी सीखे, वैदिक वो भी सीखी तो मैक्स मुलर के द्वारा सीखी, इसी तरह इसका भी आयुर्वेदा का भी हो रहा है। जैसे अभी कहा टर्मिक कॉफी, क्यों नहीं हम कर सकते? हमें इस सिर्फ केवल इलाज करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें इन बाई प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना है, उनके बारे में भी बात करनी है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से, मंत्री जी से ये कहना है कि सबसे पहले तो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल जो आयुर्वेदा के कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदा के लिए जामनगर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह और जगह भी हैं, उनको रिकॉग्निशन दीजिए, उनका मान आदर कीजिए, उन डॉक्टर्स को बताइए कि आपकी पे और एलोपैथिक की उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रमोशंस के लिए कीजिए, उनको महसूस ना हो कि हमने बीएमएस की है या हमने स्पेशलाइजेशन की है तो हम कुछ है। हमारे हमारी पद्धति में भी तो सर्जरी है, हर तरह के इलाज है, क्यों नहीं हम उनको आगे लाते, क्यों नहीं हम उनके ऊपर रिसर्च करते। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है
जहां बजट से ही देख लीजिए कि एलोपैथिक और उसमें कितना फर्क है, कहां आप इसकी डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे, कहां बराबर का हिस्सा लाके देंगे। जो डिस्पेंसरीज हैं उनकी हालत देख लीजिए, डॉक्टर्स का बैठने के लिए जगह नहीं है। आज आप इन्होंने कहा कि क्यों स्टेथोस्कोप हम वो यूज करते हैं डायग्नोस के लिए, वो उनको चाहिए लेबोरेटरी चाहिए। आज जो है हर बात के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, केवल आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आज उनके पास पूरा नॉलेज है, पढ़ते हैं, वो कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले तो हमें लोगों की साइकोलॉजी भी बदलनी है। आप भी है, मैं भी है, सिर दर्द होगा फटाफट दवाई ले लेंगे, एक मिनट में आराम आए। हम जो एकदम चाहते हैं ना आराम, इलाज, उसका भी हमें कुछ ना कुछ समाधान करना है। वो तभी हो सकता है जब हम ऐसे कैंप लगाए या ऐसे लोगों को समझाएं, उसके बैड इफेक्ट्स बताएं एलोपैथी के, तभी हम लोग इस पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। केवल कहने से बात नहीं बनेगी मंत्री जी, मुझे मालूम है आज गांव में जो बैठा हुआ है बीएमएस, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास मरीज केवल जयराम जी आयुर्वेदा की दवाई लेने नहीं जाता है, वो चाहता है कि मुझे इमीडिएट रिलीफ मिले। अगर आपने उसको दूसरी दवाई दे दी है तो वो कहेगा ये डॉक्टर ही काम का नहीं, मैं तो आराम ही नहीं आया। तो इसलिए इस चीज को इकट्ठा करने के लिए, इंटरग्रेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना है। उसके लिए हमें बताना है